सावन का महीना भगवान भोले को अति प्रिय है। इसी पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी आज नाग पंचमी का महापर्व मनाया जा रहा है। इस दिन हर घर में नाग देवता की पूजा हो रही है। इस खास दिन पर काशी में एक ऐसा अद्भुत शिवलोक है जिसे नागकूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ भक्तों का रेला लगा है। धार्मिक मान्यता है कि इस कूप में स्नान करने और उसका जल छिड़कने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। कहा यह भी जाता है कि रहस्यमयी कूप का रास्ता नागलोक तक जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस कूप का इतिहास 3000 सालों से अधिक पुराना है। इतना ही नहीं, ये रहस्यमयी कुआं कितना गहरा है इसका भी आज तक ठीक पता नहीं लगाया जा सका है। नागकूप के मंदिर के महंत राजीव पांडे ने बताया कि इस कूप के अंदर 7 कुएं हैं और ऐसी मान्यता है कि इसका रास्ता सीधे नागलोक को जाता है जहां नाग देवता वास करते हैं। इस जगह पर जो भी स्नान करता है और कुंड का जल छिड़कता है उसे काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सर्पदंश का भय भी समाप्त होता है। साथ ही जिसे स्वप्न में बार बार नाग देवता के दर्शन होते हैं वो भी इस स्थान पर पूजा करता है तो उसे भी इससे मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो है मंदिर है ये काफ़ी पुराना है और करीब 3000 वर्ष पुराना है। कुंडली में जिनके भी काल सर्प दोष होती है उनका पूरे भारत में 3 जगह जो है कि उनका पूजन होता है उनकी ग्रह शांति के लिए, नासिक, उज्जैन और वाराणसी। इस स्थान का महत्व इसलिए भी है विशेष क्योंकि इसका नाता जो है कि सर्पों से रहा है। इस स्थान को कारकोटक बापी के नाम से भी जाना जाता है। जाता है कि इस कुंड के अंदर जो एक कुआं है उस तरह का 7 कुआं है और वह जो रास्ता है वह पाताल पुरी की ओर जा रहा है या यूँ कहिए कि नागलोक की ओर जा रहा है।